वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सो गाइस, बहुत लेट होगी ब्रेक हमारी। सो गाइस, मेरे साथ दो बंदे और जा रहे हैं, हमारा भाई है छोटा, दूसरा भी भाई है। देखते हैं कहां तक का प्लान बनता राइड का। अभी तो कोई प्लान नहीं है कहीं का भी, ऐसे ही निकल पड़े राइड पे। मैं सुबह से गया था अखनूर वाली साइड और ये जा रहे हैं स्प्लेंडर लेके। कर रहा हूँ अखनूर गया था, वो वहाँ पर लेट हो गया। सोचा था कि ब्लॉग कर लूँ पर मेरे पास सेटअप नहीं था तब, इसलिए थोड़ा वीडियो भी लेट हो रही थी सेटअप के चक्कर में। दोस्तों ने तीन चार राइड कर भी दी थी, मेरी एक भी राइड नहीं हुई थी अभी तक। तो देखते हैं, ठंड भी बहुत, मौसम देखो ठंड का कितना खतरनाक बना हुआ है। बाकी देखते हैं, मिलते हैं गाइस। गाइस ठंड भी बहुत लग रही है। छोटा भाई मिल गया था तो उसी के पास 2 मिनट रुक गया था। ये हमारी TCP, यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल। रोड बहुत खराब है हमारे इधर के। भाई पिछली वीडियो में मेरा सेटअप अपना नहीं था, उसकी वजह से मेरी माइक की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि उसने कहाँ पे माइक सेट किया हुआ है। शायद इस बार अच्छी आ रही हो, क्योंकि इस बार अपना सेटअप है और माइक भी मैंने फ्रंट में लगाया हुआ है। अब देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है, अब जब वीडियो एडिट करेंगे तब भी पता चलेगा। यहाँ पे रोड खुला है थोड़ा, इधर मज़ा आता है चलाने का बहुत, पर सेफ्टी हो तभी ज़्यादा खींचने का मज़ा आता है, क्योंकि इधर लोग लड़ने बहुत जल्दी आ जाते हैं यार। थोड़ी सी बाइक टच हो जाए किसी के साथ या दूसरा टच कर देना, बहुत पंगा बनता है। अच्छा व्यू आ रहा है मेरे को, तो लग रहा है वीडियो इस बार अच्छी बनेगी। इस बार बात करने का मज़ा इतना नहीं आ रहा, पर गाइस गाड़ी खींचने का बहुत मज़ा आ रहा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, इतने दिन से बारिश थी यहाँ पे तो कर नहीं पाया, उस वजह से अभी आपके ऊपर डिपेंड है जो आप सपोर्ट करोगे। न्यू चैनल है ये भी, हमारा ऊपर वाली साइड रास्ता जाता है, उधर भी बहुत अच्छा हाईवे है। शायद नेक्स्ट राइड उसी रास्ते पर हो, सभी दोस्त प्लान कर रहे हैं उसी रास्ते से जाने का। देखते हैं अब क्या प्लान बनता है यार। मैं शायद ज़्यादा आगे आ गया हूँ, वो पीछे रह गए बच्चे। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं उनके लिए। शायद बहुत पीछे हैं अभी, ज़्यादा पीछे रह गए हैं। चलो हम अपना ब्लॉग कवर करते हैं, तब तक शायद पहुंच जाए हमारे पास। हेलमेट पे कैमरा लगाओ, सभी ऐसे घूर घूर के देखते हैं पता नहीं क्या कर रहा है। भाई ठंड बहुत लग रही है यार, जैकेट डाल के आता घर से तो अच्छा लगना था, और जल्दी जल्दी में निकला। मौसम बारिश वाला बन गया, बाकी देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। बारिश तो पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, है कि मैंने हेलमेट डाली उसकी वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा। ठंड बहुत है यार। हम कर रहे थे, हमारे दोस्त सभी प्लान कर रहे थे कि पत्नीटॉप जाएं, पर भाई ठंड बहुत है यार। सोच तो रहे हैं पत्नीटॉप राइड करने का, पर अभी शायद ही होगी, क्योंकि ठंड भी बहुत है और जाएगा भी नहीं कोई इतना हमारे साथ। ठंड भी बहुत हो गई है भाई भाई भाई, ये नहीं मानते किसी को। रोड भी देखते नहीं है, अभी तो स्लो था, तेज होता इसने साथ में चले जाना था यार।
दो तीन दिन से हालत भी ख़राब चल रही थी, जो काम आया। सातवें साल ही लगवा ली थी वैक्सीन, उसके चक्कर में ना पूरा दिन ख़राब निकल गया। अब मिलते हैं आपको सीधे नाटक में ही, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। रोड बहुत खराब है गाइस यहाँ पर। यहीं पे अब पिछली बार ब्लॉग में भी आपने शायद देखा होगा यहीं पे स्टंट वगैरह किए थे, पर इस बार स्टंट नहीं करेंगे भाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि घर वाले भी अलाउ नहीं करते हैं। और हमारी है एक, क्या बताएं आपको, वो भी नहीं अलाउ करती भाई। आज तो कोई भी नहीं है इस तरह, देखते हैं बाकी क्या सीन है। हम तो पहुंच गए यार, ठंड लग रही है साली बहुत। आज तो ग्लव्स भी नहीं डाले मैंने, उस दिन शायद डाले थे, पर तब तक उनको कॉल कर लेता हूँ कहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही लेट हो गए हैं कुछ। सो फाइनली गाइस आ गए हैं, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही पीछे रह गए थे। बाकी थे इस बार तो मैंने आपको पहले बता दिया, इस बार स्टंट वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा पिछली बार थोड़ा सीन हो गया था। सो गाइस हम लोग ये मोटरसाइकिल मांग के लाए हैं, इसलिए हम इस पे स्टंट नहीं कर सकते। हाँ गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक हम कोई फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस हमारा फोटो शूट वगैरह हो गया है, तो हम निकलने लगे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। तो दे देखो इनको अपनी पड़ी हुई है, क्या चक्कर है तुम दोनों को, क्या चक्कर है, कौन सी लाइट है, पीसीआर लाइट है, पुलिस वाले बन के घूम रहे हो तुम दोनों। चल ठीक है आ जाओ। ये भाई हमारा अंकित डॉन। गाइस ये जगह बहुत अच्छी है, आज तो ज़्यादा ही ठंड थी, नहीं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, इतनी अच्छी जगह है ये। देखते हैं अब कहाँ पे ब्रेक लेते हैं। सामने शॉप है, पर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ही होगी, वो इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक मुश्किल ही है कोई पिएगा। ये मेन हाईवे अखनूर की तरफ जाता है, और ये हमारे घर की तरफ। अभी तो हमने घर की तरफ ही जाना है, अखनूर राइड भी करेंगे कभी किसी दिन। हमारे इधर का रास्ता हमको पता है कहाँ पे इसका गड्ढा है कोई, कहाँ पे है। ऊपर वाला बंदा आके थोड़ी रेस कर सकता है हमारे इधर। मैं पिछली बार उसने डरा दिया था यार, जो राइड कर रहा था मैं भाई, पिछले ब्लॉग में उसने राइड की थी मेरे इसी मतलब सेटअप से, मैं कसम से क्या वो भाई देख ले, क्या कसम से गंदी के राइड करते हैं वो, किसी की कसम से क्या बोलूँ अब कैमरे में कि क्या हो रहा था तब, इतनी गंदी राइड कसम से रोना आ गया था। हम तो क्या राइड करते हैं वो तो, इसलिए बोलते हैं जम्मू के जो भी बच्चे हैं सभी पैदाइशी राइड फाइटर होते हैं। गला भी खराब है उसकी वजह से थोड़ा सीन हो गया, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। मिलते हैं आपको थोड़ी आगे जाके, तब तक थोड़ी खींच लेते हैं भाई। अभी सोच रहा हूँ कि ग्लव्स वगैरह डाल के आता, फिर मज़ा आना था राइड करने का भी, पर भाई ये क्या आवाज़ आ रही है, हवा लग रही है ना ज़्यादा तेज़, थोड़ा सा मेरा हेलमेट का शीशा खुला हुआ है उसकी वजह से अंदर सीधी हवा आ रही है, पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ से हवा आ रही है, इतनी ठंड लग रही है कसम से। तो भाई 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 भाई
सारे लोग देखते नहीं है यार, कहाँ से आ रहा था, ना कोई इंडिकेटर था ना कुछ। ऐसे लोगों को सालों को पता नहीं कौन बाइक वगैरह स्कूटी दे देता है। आती है नहीं चलाना, साले ऐसे निकल जाते हैं निकल लेकर। इनको भी क्या बोले यार, कैसे सड़क पार कर रहा है बिना देखे। पता भी है बाइक पीछे से तेज आ रही है, फिर भी भाई ये पहुंच गए हम अपनी मार्केट दूसरे गियर। अभी नहीं है कोई, अभी मार्केट में क्या रिएक्शन मिलेगा। दूसरी साइड दिखाता हूँ, बाहरी वाली बाजार की साइड, वहाँ पे होते हैं पैक शैक वाले बंदे। साला ठंड को तैयार गाइस। ये अपनी ये भी मार्केट दूसरी वाली साइड देखो, बाइक शॉप यहीं पे रश मिलेगा आप सभी को, बाकी और कहीं पे नहीं। मतलब मेन बाजार अंदर उतना रश उधर भी नहीं है जितना बाहर वाली साइड है। बाहर वाली साइड तो फिलहाल इतना रश होता नहीं है, पर आज बहुत रश है। अब करते हैं, देखते हैं अपने भाई बंधु कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये एक ही फ़ोन है, इसी से जिससे ब्लॉक कर रहा हूँ उसी से मैंने कॉल करना है, जिसने यहाँ तक अपना ब्लॉग देखा हुआ है। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको मस्त से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।